मोदी के प्रयासों से लोगों के जीवन में आया बदलाव। और बुलेटिन का आगाज करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से जशपुर जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोखरा पारा विकासखंड पत्थल गांव का वर्चुअली लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ग्राम ढूंढरू डांड विकासखंड कांसाबेल और विकासखंड फरसा बहार में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। साथ ही आदिवासी विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा के लिए जो है प्रधानमंत्री ने झारखंड से देश में वर्चुअली तौर पर 1726.2 करोड़ की लागत के 40 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण और 1108.2 करोड़ की लागत से 25 भवनों का शिलान्यास भी किया। इनमें से छत्तीसगढ़ के 4 एकलव्य आवासीय भवनों का लोकार्पण और 3 का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर विद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम के सार्थक संदेश के साथ आम का पौधा भी लगाया गया। और बलरामपुर के जिले राजपुर में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, महिला कबाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और शास्त्री क्षेत्र से विधायक उदेश्वरी पैकराव मौजूद रही। वहीं इस दौरान सीएम ने 190 करोड़ रूपये के विकास कार्यो का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के लोगों को विकास की मुख्य धारा जोड़ना है। वहीं सीएम ने अपने हाथों से क्षेत्रीय ग्रामीणों को चेक और जमीन का पट्टा वितरण किया। और रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल बुधवार को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और आजाद चौक पर स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजस्थानीय गणमान्य जनों के साथ स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। इसके अलावा बाजार चौक और रामठ पुराना में आयोजित गांधी जयंती और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रमदान किया। साथ ही जनता को भी स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर सफाई मित्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया था। और खबर कोरबा से है जहां पर वार्ड क्रमांक 48 सा सुमेधा बूथ क्रमांक 1 में बीजेपी के सदस्यता अभियान और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया जिसमें वाणिज्यिक उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री देवांगन ने अधिक संख्या में आम लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद मंत्री देवांगन ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही नगर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर मंत्री देवांगन ने कहा कि स्वच्छता से बड़ी कोई सेवा नहीं है, हम जिस तरह से घर में स्वच्छता और सफाई रखते हैं उसी तरह सार्वजनिक स्थल और बाहर भी सफाई का ध्यान रखें। कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन का उपयोग करें। कुछ ऐसे ही उपाय अपनाकर हम न केवल स्वच्छता को बढ़ावा दे सकते हैं बल्कि स्वयं को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के निमित्त रायपुर शहर बीजेपी जिला की ओर से आदिवासी कॉलोनी कुशालपुर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के मौके पर स्वच्छता और सदस्यता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बीजेपी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में 11.5 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनाए जाने के महत्व को रेखांकित किया है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने का साकार करने और बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान का मजाक उड़ाया करते थे, जबकि इसी के तहत 58,000 से अधिक गांव और 3,300 से अधिक शहर ओडीएफ प्लस योजना से लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शारदीय नवरात्रि के दौरान प्रदेश के प्रमुख चिन्हांकित स्थलों पर आमजनों की सुविधा के लिए चिकित्सा शिविर लगाए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच निर्देश का पालन करते हुए आयुक्त सह स्वास्थ्य सेवाएं संचालक की ओर से प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है और प्रदेश में नवरात्रि के पर्व में पंचमी से लेकर दशहरा तक आम दिनों की तुलना में आम लोगों का आवागमन ज्यादा होता है। अतः स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चिन्हांकन करते हुए जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर विकासखंड स्तर पर चिकित्सा शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी प्रमुख चिन्हांकित स्थलों में समुचित और चिकित्सा और अन्य स्टाफ, पर्याप्त औषधियां, 24 घंटे एम्बुलेंस और प्रचार प्रसार की सामग्री सहित अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और वहीं महासमुंद में अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स पदाधिकारी अमृत जगत के नेतृत्व में राज्यपाल और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि 17 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रांत, जिला और ब्लॉक स्तर पर पदोन्नति में आरक्षण और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आज तक शासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर संगठन ने पुनः स्मरण ज्ञापन राज्यपाल और सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा है। अब देखना होगा कि कब तक उनकी मांगें पूरी होती है। तो महासमुंद में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी संघ अजाक्स पदाधिकारी अमृत जगत के नेतृत्व में राज्यपाल और सीएम के नाम एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चले कि 17 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रांत, जिला और ब्लॉक स्तर पर पदोन्नति का आरक्षण और कई संवैधानिक मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन आज तक शासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल आपको बताते चले कि जिसको लेकर संगठन ने पुनः स्मरण ज्ञापन राज्यपाल और सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा है और इस बीच अब देखना होगा कि कब तक उनकी मांगें पूरी होती हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। आप सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म और संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति की उपासना का यह महापर्व आप सभी के लिए सुख समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। जय माता दी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा का छठवां और अंतिम दिन रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरकार में बढ़ते हुए अपराध और कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के विरोध में गिरौदपुरी से रायपुर तक यात्रा निकाली, जिसका छठवें दिन समापन में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैच ने कहा कि न्याय यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, लेकिन ये यात्रा आज भी संपन्न नहीं हुई है। हम लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैच ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उनके साथ डिबेट करेंगे, समय और जगह पार्टी निर्धारित कर ले। छत्तीसगढ़ नई यात्रा का समापन नहीं हुआ बल्कि आगाज हुआ है। 27 तारीख से शुरुआत होकर 125 से 30 किलोमीटर गिरौदपुरी बाबा धाम से दर्शन कर लगातार छठवां दिन में आज हम लोग रायपुरी राजधानी की ओर पहुंचे और आज हम लोग 125 किलोमीटर चलने के बाद आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को हम लोगों ने विराम दिया, क्योंकि लगातार हम 6 दिन चले, लोगों से मिले, जनता की हक और लड़ाई के लिए, उनके न्याय के लिए लगातार लोहारी डी के गांव वालों ने न्याय की मांग की। लोहारी डी के परिवार वाले आए, हमसे पूरे परिवार मिले, साथ में खाना भी खाए, अपनी दुख और तकलीफ भी बताए। साथ ही
हमारा ये दोने कला संतोष पटेल के परिवार भी मिले। इस तरह से सरकार ने जितनी बर्बरता उन परिवारों के साथ की है, उन सभी परिवारों के साथ अन्याय की है, वो परिवार सब लोग आके हम कांग्रेस पार्टी हम तमाम लोगों से मिले और उन्होंने न्याय की मांग की। कांग्रेस ने भरोसा दिलाया है कि उन परिवारों के हक और लड़ाई के लिए, न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और लगातार हम जनता से मिलते रहे। सरकार की 10 महीने की नाकामी साफ जनता के चेहरे में झलक रहा था कि ये अपराध के खिलाफ गुस्सा, आक्रोश, जनता उदास और सरकार से उम्मीद जनता ने छोड़ दी है कि ये सरकार कि हमको सुरक्षा कर पाएगी। जनता ने पूरी उम्मीद छोड़ दी। उसी का नतीजा है कि लगातार जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते रहे, जैसे जैसे हमारा काफिला बढ़ता रहा, हमारी कारवां भी बढ़ती रही और ऐतिहासिक जन समर्थन के बाद लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, सम्मानित टीएस बाबा जी और तमाम हमारे सीनियर लीडर, पूर्व मंत्रियां, लगातार हमारे एक्सएमएलए, हमारे एमएलएस, एक्सएमएलएस, तमाम सांसद और पूर्व सांसद साथी सब लगातार आते रहे और हमारे पदयात्रा को उन्होंने मनोबल बढ़ाते रहे और इनके आशीर्वाद से ये यात्रा सफल हुई है। निश्चित रूप से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मैंने चुनौती दी है, भारतीय जनता पार्टी 10 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, 10 महीने में छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बना दिया और ये सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं, अपराध रोकने की बात क्यों नहीं करते? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कौन रोकेगा अपराध, किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री की है, गृह मंत्री की है, सरकार की है या नहीं? पहले सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार कौन चला रहा है? सरकार कहां से चल रही है? सरकार किसके इशारे पे चल रही है? ये मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री के इशारे पे चल रही है या फिर ओपी चौधरी के इशारे पे चल रही है या गृह मंत्री के इशारे पे चल रही है या अरुण साव के इशारे पे चल रही है या और किसी के इशारे पे चल रही है। मुख्यमंत्री किसको जवाब देना चाहिए। इसलिए मैंने चुनौती दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस को क्षमा याचना निकालना चाहिए। मैंने चुनौती दिया कि हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना नहीं हुई, हमारी सरकार में आदिवासियों के 200 घर नहीं जले, हमारी सरकार में 76 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में रानी बोदरी में 56 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में झलियामारी जैसे बच्चे लोगों के साथ अनाचार नहीं हुआ, हमारी सरकार में कलेक्टर ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में एसपी ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में 5 से 6 साहू समाज की बेटों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में सतनामी समाज पर अत्याचार नहीं किए, हमारी सरकार में फर्जी एनकाउंटर और आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजने का काम नहीं हुआ और हमारी सरकार में किसी समाज के किसी साहू समाज के घर को नहीं जलाया गया। हमारी सरकार में इतनी अपराध नहीं बढ़ी। इसलिए अगर हमारी सरकार में अगर कलेक्टर ऑफिस, एसपी और जीएमएम घाटी घटी है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि ये सारी घटनाएं बस्तर से लेकर सरगुजा तक किसकी सरकार में घटी है। पहले ये मुख्यमंत्री बताए ये घटनाएं उनकी सरकार में घटी है या नहीं घटी है, ये पहले मुख्यमंत्री बताए। अगर उनकी सरकार में घटी है तो छत्तीसगढ़ की जनता को सबसे पहले मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल को माफी मांगना चाहिए। मैं तो चुनौती दी है इस मुद्दे को अगर डिबेट करना है, पिछले 15 साल और 10 महीने, 15 साल बनाम 10 महीने उनका रिकॉर्ड लेके आ जाए, मैं भूपेश बघेल की सरकार की, टीएस बाबा सरकार की, चरणदास महंत की सरकार की मेरिट रिकॉर्ड लेके आऊंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जगह तय कर ले, समय तय कर ले, डेट तय कर ले, दीपक बज किसी चाह चौरे में बुला ले, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं ना, मुख्यमंत्री नीचे से कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री तय कर ले, मुख्यमंत्री साथ दीपक बज डिबेट कर ले। बताइए, और कोरबा के विकास के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार गंभीरता के साथ, बेहद तत्परता के साथ कार्य कर रही है। लंबे समय से रुकी चांपा से कटघोरा बाईपास तक के नेशनल हाईवे की सड़क को एक दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की मांग पर केंद्र सरकार ने जल्द बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। वार्डो की गली से लेकर नेशनल हाईवे तक जल्दी बने, बेहतर गुणवत्ता के साथ बने, यही बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है।
और खबर रायपुर से है, जहां जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने नवार रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति के गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की शासकीय स्वीकृति मिलते ही टेंडर का प्रक्रिया शुरू करने की सख्त हिदायत दी है। वहीं मंत्री कश्यप ने बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने का कहा कि शासकीय प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के 100 दिन के अंदर टेंडर लग जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया में विलंब होने पर जिम्मेदारी तय कर संबंधों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। और इसी के साथ ही मंत्री कश्यप ने जशपुर जिले के कोनपुरी में नया कार्यपालन अभियंता कार्यपालन खोलने की स्वीकृति दी है। और वे राजधानी रायपुर स्थित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में भारत स्काउट्स एंड गाइड के रोवर रेंजर्स दीक्षा ग्रहण और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने मैक आर्मी कक्ष का शुभारंभ किया और नए रोवर रेंजर अध्यक्ष नंजय कोचर सचिव भूमिका यादव के साथ विभिन्न दल के प्रमुखों को उनकी कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। और खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी कार्यालय का आत्म परिसर में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव और बीजेपी के अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने पत्रकार वार्ता का शुभारंभ किया और इसी के साथ साथ जिसमें उन्होंने कहा कि गिरोह पूरी की घटना पर कांग्रेस ने भरपूर लाभ लेने का प्रयास किया। बालोदाबाजार में आगजनी मामले में देवेंद्र यादव दोषी पाए गए हैं और वो छूट नहीं पा रहे हैं। हमें कानून का पूरा भरोसा है। कांग्रेस को ना तो कानून पर भरोसा है और ना ही संविधान पर। वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से सारे काम हो। वही उन्होंने कहा कि अपराधी स्वयं न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि उन्हें तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। कि गिरोहपुरी के मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभिक तौर पर उसका राजनीतिक लाभ लेने का भरपूर प्रयास किया और उसके पश्चात गिरोहपुरी की घटना के बाद जिस तरीके से बलौदाबाजार का जो प्रकरण सामने आया, जिसमें कलेक्ट्रेट से लेकर एसपी ऑफिस पर जिस तरीके से आगजनी का काम किया गया और उसमें जो जांच में जो चीजें सामने आई कि कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव उसमें दोषी पाए गए और आज वो कानून की नजरों में दोषी हैं और वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जमानत उनकी नहीं हो रही है। हम सबको संविधान में, कानून में और जो देश की व्यवस्था है उस पर हम सबको विश्वास है। ये अलग बात है कि कांग्रेस हमेशा से जब भी कोर्ट के कोई निर्णय आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय आते हैं, तो यदि उनके पक्ष में लगता है कि निर्णय अच्छे आए तो वो स्वागत करते हैं, लेकिन यदि निर्णय कांग्रेस के विरोध में आते हैं तो वो न्यायालयीन व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करने से पीछे हटते नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस को न तो कानून पे, न संविधान पे, न व्यवस्था जो हमारे देश के अंदर में है उस पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके अनुकूल परिणाम प्राप्त हो और उसी का दृश्य हमने देखा कि इस पूरे बलौदाबाजार जो प्रकरण जो हिंसा का रूप लिया था उसमें कांग्रेस के नेताओं का नाम जिस तरीके से आया, उसको गलत दिशा में मोड़ने का जो प्रयास कांग्रेस के लोगों ने किया, फलस्वरूप जो कांग्रेस के विधायक है देवेंद्र यादव आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर में ऐसी कौन सी व्यवस्था पैदा करना चाहती है कि जो लोग अपराधी हैं, जो दोषयुक्त हैं, जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो प्रदेश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिस न्याय यात्रा का समापन हो गया होगा या हो रहा होगा। मुझे लगता है, प्रेस में कहते हुए मैं एक सवाल भी आप सबके बीच में छोड़ता हूं, देश की जनता या प्रदेश की जनता इतनी कमजोर नहीं है, इतनी नासमझ नहीं है कि जो अपराधी हैं वो स्वयं यदि न्याय यात्रा निकालें तो ऐसी न्याय यात्रा पर प्रदेश की जनता विश्वास करे। और खबर सारंगढ़ से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने जुआ, सट्टा, शराब और अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि इसी कड़ी में सरगया पुलिस ने टीम का गठन किया गया और वहीं सरगया पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 30 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और शहडोल अनूपपुर रात जिले की सीमा पर स्थित अमलाई अंतर्गत संचालित सोडा फैक्ट्री का सामान लेकर आए गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाहन चालक ब्रजराज सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें ब्रजराज सिंह बिहार के रहने वाले थे, वहीं उनकी सामान्य मौत को हत्या बताकर विपक्षी दल ने मोर्चा खोल दिया और इस पूरे हंगामा के पीछे राजनीतिक रंग साफ नजर आ रहा है। कुछ दिन पूर्व सोडा फैक्ट्री गैस रिसाव मामले को प्रमुखता से उठाने वाले और गैस रिसाव पीड़ितों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आने वाले क्षेत्र के एक युवा नेता का नाम सामने आ रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते पूरा षड्यंत्र रचा गया है और युवा नेता की स्वच्छ छवि को भी दागदार बनाया जा रहा है। ये तो मैं नहीं देखा हूं तो कैसे कहूं, हम इस चीज के जानकारी नहीं है मारपीट के मामला में, तो मैं कैसे कहूं बताइए। मतलब आपके हिसाब से कोई मारपीट नहीं हुई? हमारे हम तो मैं देखा ही नहीं, तो मैं कैसे कह रहा हूँ, हम नहीं देखा मारपीट की कोई जानकारी नहीं, मैं देखा हूँ इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। क्या था वो, तो एक ड्राइवर की गाड़ी खड़ी थी, वो भी था साथ में, हमारी गाड़ी तो हम मंदिर उनके पार्किंग में थी। अच्छा। हाँ, यहाँ इन लोगों के रात में गाड़ी से भटवाया, मारपीट किया और फोन किया, ये भी मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अगला ड्राइवर मेरे से बोला कि पत्थर मारे। मारपीट देखी है आपने? नहीं देखे हैं। सुने हैं? सुने हैं। वो अगला मेरे से खुद बोला कि शीशे पर मारा पत्थर, जो पछे उसी कंपनी के ड्राइवर आप हैं? हाँ, उसी कंपनी, शीशा तोड़ करके अंदर हम सोए थे, मेरे को। आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी थी? गाड़ी मंदिर की पार्किंग में खड़ी। और इनकी गाड़ियाँ? ये इधर मेरे रोड के बाउंड्री के सटे खड़ी थी। कितनी गाड़ियाँ जो यहाँ खड़ी थी आपकी कंपनी की? यहाँ तीन गाड़ी खड़ी थी, तीन चार गाड़ी खड़ी थी इधर, और बाकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। ऐसा विवाद कोई नहीं हुआ, वही एक आदमी कोई आया और हम लोग का गेट पीटने लगा, मार गाली गलौज हुई है। हाँ, गाली गलौज कर रहा था, मारपीट उतरे भी नहीं है। मारपीट भी हुई? नहीं, हम लोग तो मारपीट नहीं किए थे, वही गाली गलौज किए थे, हमने तुरंत सेल मारे, हम नहीं यहाँ आ गए थे। उस घटना के एक दिन बाद जो है वो एक दिन बाद जो है सोमवार को इनको रात में तबियत खराब हुआ। क्या समस्या थी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो वो बोले कि जो है यहाँ से गए थे, इंजेक्शन पहले लगाए दूठो, एक बाद जो है वो बोले कि अब इसको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, तो वही ब्लड जो है कि फिर वो बोले, हम बोले कराइए, तो वो बोले कि यहाँ नहीं है सुविधा सरकारी में, प्राइवेट से होगा, तो फिर जो है कि हम बोले तो कराइए, तो बोले कि नहीं 1800 इसका लगेगा। तो जो है कि फिर हम पिंटू भाई को फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो पिंटू भाई बोले कि जो आएगा ब्लड टेस्ट करने उसका स्कैनर चाहे अति फोन पर हमको वो करवाइए, तो वही जो है कि फिर स्कैनर चाहे वो दिए, इसके बाद 1800 ये डाले। तो वो पहले वो होएंगे उनकी गाड़ी में से दवाई गोली निकली रात में जो पंचनामा बनाया था। अच्छा, मतलब पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे? अपने को जो है पता नहीं, पूरा जानकारी नहीं। आपने कहा बीमार से, तो कैसे कहा आपने? उसमें गाड़ी में से दवाई गोली निकली। अच्छा, कई बार रात में दवाई गोली। रात में जो है लगभग 12-1 बजे एक मरीज आया था, यही मरीज आया था रात में, उस समय जो है इनको उल्टी हो रही थी और थोड़ा सा पेट में गड़बड़ी थी और ये काफ़ी बीमार हालत में आए थे, तो जीतू पर उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र पटेल थे, जीतू पर उन्होंने उसका इलाज किया, इलाज के दौरान मरीज को मृत्यु। सर, उनके शरीर में चोट के भी निशान है कहीं ना कहीं? अब उस समय मरीज की हालत गंभीर थी, तो उन्होंने जो उसका इलाज किया और मृत्यु हो जाने के कारण, कोई परिजन न होने के कारण, उन्होंने बॉडी को जो है मर्चुरी में। सर, हमारा सवाल है चोट के निशान, सर पे चोट के निशान। वो पीएम हुआ है उनका, जो है पीएम टीम के द्वारा हुआ है, वो डॉक्टर ने उनका पीएम किया हुआ है, वो उसके बारे में बता रहे हैं। क्या सर, रात को जब लेकर के आए यहाँ तब उनको सर की चोट नहीं दिखी होगी जो ड्यूटी डॉक्टर को? उस समय तो उन्हें चोट का ऐसा कुछ उन्हें समझ में नहीं आया। सर, ब्लडिंग हो रही थी, आपने ट्रीटमेंट किया जरूर? नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।